काला धन वापस लाने की बात चली, कौन सा काला धन आ गया वापस बताओ मुझे, एक रुपया नहीं आया। हाँ ये होता था पहले चोरी ज्यादा लोग करते थे, अब अडानी अंबानी और 5-10-15-20-50 लोग हैं तो देश के अंदर हर काम उनको मिल जाता है, दूसरे लोग बेरोजगार हो गए, ये हालात आप देख रहे हो। तो हम चाहते हैं कि देश के हालात बदले और उसकी शुरुआत इस राजस्थान प्रदेश से हम कर रहे हैं। हमारी यात्रा का नाम होगा सत्ता संकल्प यात्रा, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम प्रयास करेंगे कि सत्ता पर कब्जा करें, सत्ता के बिना व्यवस्था नहीं बदलती। और हम चाहते हैं कि सत्ता जब बदलेगी, जब राजस्थान का जवान किसान सब समाज इस बार ये तय करेगा कि हमें राजस्थान को बचाने के लिए दोनों पार्टियों को घर बिठाना और नई सरकार राजस्थान के अंदर बनानी, ये हम 28 तारीख से यात्रा की शुरुआत सालासर बालाजी के दर्शन करके सालासर में सभा करेंगे। तो बाकी जो कार्यक्रम है वो हम जारी कर देंगे, हमारी प्रदेश की टीम का ऐलान भी 1-2 दिन के अंदर कर देंगे। किस करोड़ बैठेगी मतलब तीसरा तो बनी गया और हम चाहते हैं कि पहला फंड बने राजस्थान के अंदर और एक पार्टी थर्ड नंबर जाएगी कांग्रेस बीजेपी के अंदर। आप देखिए जब हम यात्रा पर निकलेंगे, अभी जैसे आपके नड्डा जी की यात्रा निकलती है, टेंट खाली कुर्सियां खाली, पकड़ पकड़ के ला रहे लोगों, भैया आजा फोटो खींचा ले, भैया आजा फोटो खींचा ले, तुम कौन हो, दूर खड़े लोगों लोग फोटो नहीं खिंचाएंगे, 5,000 की भीड़ नहीं के बारे बेचारे, पूरे संसाधन लगा रखे हैं इनके पास, तो हाईटेक सिस्टम है सारा सारा, आपको पता कहाँ से आता है क्या आता है, कांग्रेस भी निकाल रही। आप देख लेना जब फील्ड में उतरे तो आपको सारी बात आ जाएगी कि जन समर्थन किसको मिल रहा है राजस्थान के अंदर, और जिसको जन समर्थन मिलेगा वही सत्ता पे कब्जा करेगा। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। हाँ गठबंधन के दरवाजे खुले बीएसपी के लिए, बीएपी के लिए, बीटीपी के लिए, अन्य मजबूत अगर नेता किसी इलाके के अंदर है, उनका जनाधार है, उनका अगर दूसरी पार्टियों में दम घुट रहा है या दूसरी पार्टियां उनका सम्मान नहीं कर, उन लोगों से कॉन्टेक्ट है हमारे,